पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर पर्यटकों से भरी बस और कंटेनर में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में सवार एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने 4 गंभीर रूप से घायलों को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया है। वही कंटेनर और टूरिस्ट बस के टक्कर जैसे ही हुई, वैसे ही पीछे से आ रहा एक ट्रक भी अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ड्राइवर घायल हो गया। वही पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद आवागमन शुरू कराया। आपको बता दें कि नेपाल के पशुपतिनाथ से दर्शन कर महाराष्ट्र के पर्यटक वाराणसी जा रहे थे, लेकिन कोहरे के कारण 2 गाड़ियों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। गनीमत है कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। ये आज सुबह जो है 8:30 बजे करीब जो है एक बस, टूरिस्ट बस थी जो नेपाल से आ रही थी दर्शन करके और बनारस जा रही थी। परसोइया ग्राम के पास में ये कंटेनर से टकरा गई। अभी संज्ञान में बस इतना ही आया है और 16 लोग जख्मी हुए थे। के बीच में हुआ है और जो ये ट्रक आ रहा था उधर से ओवरटेक करके वो गाड़ी जो है बस आगे, दोनों में आपस में जो है दोनों लड़ गए। इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? कम से कम एक दर्जन।